जैसा कि आप लोग को बखूबी एक बात पता है कि वोटर कार्ड की वेबसाइट जो है वो पूरी अपडेट हो चुकी है। नहीं पता है तो अभी बता दे रहा हूँ मैं, वोटर कार्ड की पूरी साइट जो थी NVSP जो थी वो पूरी अपडेट हो गई है, अब नई साइट हो गई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन इसमें एक अपडेट हो गई वो अच्छी बात है, तरीका नया हो गया वो भी अच्छी बात है, पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोगों ने वोटर कार्ड अप्लाई करे थे, उसका एक रेफरेंस नंबर मिलता था, सबको पता है जब हम लोग वोटर कार्ड अप्लाई करते थे तो एक रेफरेंस नंबर सबको मिलता था। वो रेफरेंस नंबर ट्रैक करने का तरीका भी था कि आप NVSP की साइट पर जाकर के नीचे हुआ ट्रैक में जाके ट्रैक कर लेते थे, पर ये जो नई वेबसाइट है इसमें आप वो वाले ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई आपने जो पुराने भरे थे वोटर कार्ड वो चेक कैसे होंगे। कस्टमर सामने आता है तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, भाई वो साफ कहते हैं कि भैया आपने ये मुझे दिया था, ये चेक करके बताइए कहाँ है। आप खोलोगे वो साफ बता देगा कि ये पुराने वर्जन का ये नहीं होगा, तो वो चेक कैसे होंगे। तो उसको चेक करने का तरीका एक है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वो चेक कैसे करना है। चेक करने के बाद अपडेट होने के बाद उसका कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, EPIC कार्ड जो नया वाला कार्ड आया है हॉरिजॉन्टल वाला, वो कार्ड भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने वीडियो में बता दिया है। आप चाहो तो कार्ड भी निकाल करके उसको दे सकते हो। जैसे ही गूगल में जा करके NVSP टाइप करोगे तो वैसे ही 5 सेकेंड के अंदर वो इस वेबसाइट में आपको ले आएगा। अब ये वेबसाइट में आने के बाद आप अपना जो पुराना रेफरेंस नंबर है उसको जैसे ही यहाँ पर डालोगे और अपने स्टेट चेक करोगे तो वहाँ देखिए सामने सीधे लिखकर आ जाएगा कि मतलब आपका ये नहीं ले रहा है। और यहाँ से आपको जो पुरानी वेबसाइट है वहाँ जाके आपको ले जाके यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना कि ये सब करने से पहले आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ये तो मेरा पोर्टल पहले से लॉगिन था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, ये मत सोचिएगा कि बाहर से करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए पुराना मैंने भरा था इनका, तो यहाँ से इनका पूरा वोटर कार्ड नंबर भी जनरेट हो गया था, एपिक नंबर इनका जनरेट हो गया था, तो यहाँ से मैंने इनका वोटर कार्ड नंबर निकाला। वोटर कार्ड नंबर निकालने के बाद देखिए कोने में एक होता है EPIC वाला, ठीक है, वहां से मैंने जाकर इनका EPIC नंबर डाला, ये डाला, यहाँ डालने के बाद इनकी डिटेल सब लिखकर आ गई है। डिटेल्स हाइड करनी है आपको, पता कोई बताने की जरूरत नहीं है भाई, कॉन्फिडेंशियल होता है। कुछ लोगों ने खैर मैसेज किया था इसके लिए कि आप हाइड कर देते, तो भाई आप जैसों के लिए हाइड करना पड़ता है मुझे, क्योंकि आप लोग तरीका नहीं देखते हो, आप लोग को डेटा देखना होता है, तो भाई आप तरीका देखो, डेटा आप मत देखो तरीका क्या होता है, ठीक। और जो करते हैं उनको पता ही कैसे करना है, ये करने वालों को पता है, सिर्फ मैं एक ऊपर ही ऊपर आपको तरीका बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो ये पूरा आप करने के बाद यहाँ सब OTP डाल करके वेरीफाई कर लोगे, वेरीफाई करने के बाद इसकी जो PDF है वो PDF डाउनलोड होके मिल जाएगी, उसका आप सिंपली एक इसका कार्ड बना के दे दोगे या उसका आप PVC कार्ड दे दो, कोई भी कार्ड दे दो, आपका वो कार्ड हो जाएगा, वरना फिर आपके घर बाई पोस्ट आ जाएगा। अब बात ये होती है कि बाई पोस्ट कब तक आगे कैसे आएगा, तो इसके लिए तो यार मैं नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए आप जो आपके VRC ऑफिस है आपके एरिया का वहाँ जाके आप पता करो, लेकिन बेहतर यही है कि आप किसी साइबर कैफे से इसका कार्ड निकलवा लो, वो आपका काम आ जाएगा। तरीका आपने देख लिया है कि पुराना रेफरेंस नंबर में साफ लिख कर आ जाता है कि रेफरेंस नंबर डालिए और वो पूरा आपको दिखा देगा कि कहाँ पहुंचे आपका। परेशानियां आ रही हैं, काफी लोगों को आ रही हैं और काफी मेरे पास मेरे खुद के केस आए थे तो फिर ये सोल्यूशन निकला था। तो अगर आप लोगों की परेशानी ऐसी आ रही है या लोगों को आ रही है वोटर कार्ड को ट्रैक करने पे, वोटर कार्ड निकालने में, तो हो सकता है कि ये कुछ आपकी मदद कर जाए। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किए, लोगों को बताइए जो लोग वोटर कार्ड का काम करते हैं और जो लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है इस केस में।